हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गाइज कि आप सभी देखेंगे मुझे जो है इस एप्लीकेशन से अभी फ़िलहाल 30,000 रुपये का लिमिट जो कि मिला हुआ है। इस लिमिट को आप सभी चाहे तो अपने बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट जो कि ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब भी आप सभी को पैसे की ज़रूरत होगा, आप सभी इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट्स में आसानी से जो कि ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो कैसे आप सभी को ये लिमिट मिल पाएगा, इसको कैसे आप सभी को अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है, अगर आप सभी को ये लिमिट मिल जाता है, अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो कोई भी चार्जेस वगैरह आप सभी को नहीं लगाए जाएंगे। तो सारा डिटेल इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताने वाला हूँ, कैसे ले पाएंगे, कैसे आप सभी अपने बैंक अकाउंट्स में जो कि इस अमाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो अगर आप सभी को पैसे की ज़रूरत है, लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना तरह के वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारा डिटेल अच्छे से आप सभी को बताते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो इस एप्लीकेशन की डाउनलोडिंग की अगर बात करें तो अभी फिलहाल 50 मिलियन से प्लस लोग इस एप्लीकेशन को जो कि डाउनलोड कर चुके हैं। वहीं रेटिंग की अगर बात करें तो रेटिंग देखेंगे 4.3 का रेटिंग है, जो कि तकरीबन 1 मिलियन से भी अधिक लोग इसके अंदर रिव्यू दिए हैं। रिव्यू पढ़ना चाहे तो आप सभी नीचे आ करके जो कि रिव्यू पढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर जो है आप सभी को अमाउंट की अगर बात करें तो जी पे लेटर आप सभी को यहां पे 60,000 से लेकर के 1,00,000 रुपए तक का लिमिट आप सभी को यहां पे जो कि प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप सभी के सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप सभी को कितना अमाउंट जो कि यहाँ पे मिल पाएगा। वैसे इस एप्लीकेशन के अंदर अगर आप सभी रिचार्ज वगैरह करते हैं तो वो सारा सिस्टम इसके अंदर जो कि अवेलेबल है, LIC प्रीमियम ये सब भी भरते हैं तो भी आप सभी यहाँ पे जो कि भर पाएंगे। तो इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुआ है। मान लीजिए कि अगर आप सभी को यहाँ से 50,000 रुपये का लोन मिल जाता है, अगर ये लोन आप सभी को 50,000 रुपये का मिलता है तो इंटरेस्ट आप सभी को 16% पर एनुअल के हिसाब से लगाए जाएंगे और ये लोन हो जाएगा आप सभी को 1 सालों के लिए। तो आप सभी का मंथली EMI बनेगा 4,537 रुपये का, टोटल इंटरेस्ट जो पे करना होगा 4,444 रुपये, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे 2% के हिसाब से 1,000 रुपये जो कि आप सभी को लगाए जाएंगे। डिसबर्स अमाउंट आप सभी के अकाउंट में जो अमाउंट क्रेडिट किया जाएगा वो अमाउंट होगा 49,000 रुपये और आप सभी को टोटल जो पेमेंट करना होगा 55,444 रुपये। तो अब चलिए मैं आप सभी को डिटेल्स दिखाता हूँ लोन का। सो गाइस, तो आप सभी देखेंगे मुझे यहाँ पे अभी फिलहाल जो है 30,000 रुपये का लिमिट यहाँ पे मिला हुआ है। यूज लिमिट में अभी फिलहाल 0 है, कुछ भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया हूँ। इससे पहले मैं कई बार जो कि इस्तेमाल किया हूँ उसका डिटेल मैं आप सभी को नीचे आकर थोड़ा दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे मैंने यहाँ से कितनी बार इस अमाउंट को जो कि मैं अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा है तो मैं इस अमाउंट को जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया हूँ। तो अब चलिए मैं आप सभी को डिटेल्स इसका दिखाता हूँ। तो गाइस, आप सभी देखेंगे मुझे जो है अभी फ़िलहाल यहाँ पे 30,000 रुपये का लिमिट मिला हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप सभी को ये लिमिट मान लीजिए कि मिल जाता है तो इस लिमिट को आप सभी अपने बैंक अकाउंट्स में किस तरीके से जो कि ले पाएंगे वो चीज़ पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूं। तो इस लिमिट को अपने बैंक अकाउंट्स में लेने के लिए आप सभी को क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे अब आप सभी देखेंगे कि यहाँ पे जो है एक न्यू बेनिफिट्स यहाँ पे अनलॉक हुआ है। तो इसमें जो है गाइस आप सभी पेमेंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, स्कैन एंड पे का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस में क्रेडिट कार्ड का अगर बिल पेमेंट करना है तो वो भी इस अमाउंट से जो कि आप सभी कर सकते हैं। ये नया फीचर जो कि इसके अंदर लॉन्च किया गया है। तो मान लीजिए कि इस अमाउंट को अगर आप सभी को अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है तो आप सभी को यहाँ पे ऊपर में लिमिट दिखेगा और उसके जस्ट नीचे जो है आप सभी को यहाँ पे 3 फीचर्स जो कि मुझे दिख रहा है, इसमें आप सभी को क्या करना है, पेरेंट वाले पे चले आना है। चलिए हम पेरेंट वाले पे क्लिक करते हैं। तो करने के बाद जो है गाइज अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे आप सभी को एक फीचर से दिखेगा एड न्यू प्रॉपर्टीज का जो कि फीचर दिखेगा, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा, फील्ड डिटेल्स है। तो इसमें आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपना एड्रेस जो है यहाँ पे फिल करना है, पिन कोड यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। चलिए ये डिटेल फटाफट यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप सभी को 2 ऑप्शन मिलते हैं, अगर आप सभी अपने बैंक अकाउंट्स में लेना चाहे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स नंबर डाल कर ले सकते हैं, या फिर अगर आप सभी फ़ोनपे, गूगल पे, भीम, UPI ये सब अगर यूज करते हैं तो यहाँ पे आप UPI ID डालकर भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप सभी अपने बैंक अकाउंट्स में ही लेना चाहते हैं तो बैंक अकाउंट्स नंबर यहाँ पे डालेंगे, IFSC कोड यहाँ पे डालेंगे, उसके बाद नीचे आप सभी को कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा। सो गाइस, तो अब आप सभी को यहाँ पे कंटिन्यू विद जिप कार्ड का ऑप्शन दिखेगा, इस वाले पे क्लिक करना है।
उसके बाद गाइस आप सभी को लैंड लॉर्ड नेम में कुछ भी नाम आप सभी को दे देना है। उसके बाद क्या करना है, अब आप सभी को अमाउंट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जितना अमाउंट आप सभी लेना चाहते हैं। तो जैसे कि मेरा 30,000 है, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से 30,000 लेना चाहते हैं तो यहाँ पे चार्जेस जो लगाए जाएंगे वो आप सभी देख लेंगे। प्रोसेसिंग फीस जो है यहाँ पे 708 रुपये लगाए जाएंगे। अगर मैं ये अमाउंट 30,000 रुपये का लोन अमाउंट मैं अपने बैंक अकाउंट्स में अभी ट्रांसफ़र करता हूँ तो 704 रुपये जो कि प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो आप सभी को जितना अमाउंट अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करना है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 500 रुपये या फिर 50 रुपये करते हैं, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ से 500 रुपये का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो 11.80 रुपये जो कि चार्जेस लगाए जाएंगे। तो आप सभी अपने हिसाब से जितना भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट्स में लेना चाहते हैं यहाँ पे जो कि आप सभी सेलेक्ट कर लेंगे। मिनिमम 50 रुपये हैं तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे 150 रुपये कर लेते हैं। अगर हम 150 रुपये का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करते हैं तो 3.54 रुपये जो कि प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो मान लीजिए कि ये अमाउंट हम अपने बैंक अकाउंट्स में लेना चाहते हैं, तब आप सभी को क्या करना है, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे और करने के बाद जो है गाइस अब आप सभी देखेंगे मेरा टोटल का टोटल लिमिट जो है 30,000 रुपये है जो कि यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे इसी वाले में आप सभी को चेक मार्क रहने देना है, पे लेटर का ऑप्शन ऊपर ही दिखेगा, इस वाले में ही आप सभी को चेक मार्क रहने देना है। उसके बाद आप सभी को पे का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले पे आप सभी को क्लिक करना है। जैसे ही इस वाले पे आप सभी क्लिक करेंगे कुछ देर यहाँ पे प्रोसेसिंग में रहेगा, उसके बाद आप सभी के बैंक अकाउंट्स में अमाउंट जो कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो अब आप सभी देखेंगे गाइस मेरा यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, फंड ट्रांसफर हो चुका है। अब मेरा यहाँ से अमाउंट जो है कट हो चुका है, मेरे बैंक अकाउंट्स में पैसा जा चुका है। तो अब चलिए मैं आप सभी को बैक करके जो कि होम पेज दिखाते हैं। तो अब गाइस आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि अब मेरा लिमिट जो है यहाँ पे आप सभी देखिए टोटल लिमिट में 29,846 रुपये जो कि अवेलेबल लिमिट है और यूज में आप सभी यहाँ पे देखेंगे 154 रुपये जो कि यूज में आ गया है। तो अब आप सभी को ये पेमेंट कब करना है वो डेट भी आप सभी को नीचे जो कि दिख जाएगा। तो आप सभी थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेमेंट मुझे कब करना है, यहाँ पे टाइमिंग भी जो कि दिया हुआ है। ये जो पेमेंट है मुझे यहाँ पे देखेंगे 20 मार्च को जो कि करना है 154 रुपये। यहाँ पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले पे क्लिक करके जो कि इस पेमेंट को कर देना है। तो इस तरीके से आप सभी इस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट्स में जो कि आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस लिमिट को आप सभी ले कैसे पाएंगे। दोस्तों अगर आप सभी को ये लिमिट मिल जाता है तो इतना ही नहीं, इसके अंदर बहुत सारा ऑप्शन जो कि दिया हुआ है। जैसे कि आप सभी आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज है, DTH है, बिजली बिल है, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा, गैस बुकिंग करना है या फिर LIC प्रीमियम भरना है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। वो भी चीज़ आप सभी यहाँ पे जो कि इस लिमिट से कर सकते हैं, इस अमाउंट से कर सकते हैं। और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे जितना भी दिया हुआ है सारे में आप सभी इस लिमिट को जो कि यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं गाइज कि अगर आप सभी को ये लिमिट आप सभी को कैसे मिल पाएगा, एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो एप्लीकेशन का नाम मैं आप सभी को बता देता हूँ गाइज, इस एप्लीकेशन का नाम है MobiQuick। आप सभी प्ले स्टोर के ऊपर आकर के अगर सर्च करेंगे MobiQuick तो इसका लोगो जो है कुछ इस तरीके से है। इसी एप्लीकेशन से आप सभी को जो कि ट्राई करना है। तो अब आप सभी कहेंगे फर्स्ट टाइम इसके अंदर कैसे अप्लाई किया जाता है, तो गाइज मैं इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि अगर आप सभी को फर्स्ट टाइम अप्लाई करना नहीं आता है तो किस तरीके से आप सभी फर्स्ट टाइम जो कि अप्लाई करके इस लिमिट को आप सभी ले सकते हैं। तो अगर आप सभी को फर्स्ट टाइम अप्लाई करना नहीं आता है तो वो वीडियो आप सभी देख लेंगे कि कैसे आप सभी को अप्लाई करना है। एप्लीकेशन जेन्युइन है, बिंदास आप सभी इसके अंदर जो कि अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को हो सकता है स्टार्टिंग में कम अमाउंट दिया जाएगा लेकिन आप सभी को यहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट जो कि दिया जाएगा, तो बिंदास आप सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।